रोड पे गुब्बारे बेचने वाले एमके मैमन मैपिल्ले ने 47,000 करोड़ की एमआरएफ कंपनी बिल्ड कर दी। पहली इंडियन कंपनी जिसका एक शेयर 1 लाख से ऊपर का है, उसकी शुरुआत 1946 में टॉय बलून मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से हुई थी, जिसका फुल फॉर्म है मद्रास रबर फैक्ट्री। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का पोटेंशियल देखकर एमआरएफ ने अपना बिजनेस 1952 में ट्रेड रबर मैन्युफैक्चरिंग में एक्सपैंड किया। इसके बाद 1956 तक एमआरएफ ने पूरा इंडियन मार्केट 50% मार्केट शेयर के साथ डोमिनेट कर लिया था। जिसके बाद 1960s में एमआरएफ ने यूएस कंपनी मैंसफील्ड टायर एंड रबर कंपनी के साथ टाइप करके इंडिया में टायर मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी। और 1967 में एमआरएफ पहली इंडियन कंपनी बनी इसने अमेरिका में टायर एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। हाई प्रोडक्ट क्वालिटी और अच्छे कस्टमर सर्विस के दम पे मद्रास की एक छोटी सी रबर फैक्ट्री आज इंडिया का लीडिंग टायर मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड बन चुका है, जिसे महान बल्लेबाज विराट कोहली तक एंडोर्स करते हैं। रबर इंडस्ट्री में अमेजिंग कॉन्ट्रीब्यूशन के तहत इनके फाउंडर एमके मैमन मैपिल्ले को पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है। सब्सक्राइब करो ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए।